देश के अमीरों का कई लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन गरीबों के यहाँ बकाया बिजली बिल को लेकर छापेमारी की जा रही है। अमीरों पर मेहरबान सरकार को गरीब का बकाया बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। उपरोक्त बातें भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने आगामी 11 अक्टूबर को डांडीडी गिरिडीह GM कार्यालय के समक्ष बिजली बिल माफी को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारी क्रम में सदर प्रखंड के पंचरुखी में आयोजित एक मीटिंग को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि बकाया बिजली बिल बढ़ने के लिए सीधे तौर पर झारखंड की पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जिसके शासनकाल में लगातार बिजली बिल बढ़ाने का काम हुआ, लेकिन उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल पहुंचाया नहीं गया। इसकी अनभिज्ञता में ग्रामीण अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पाए। अब वही बकाया बिल इतना ज्यादा हो गया है कि जिससे कोई भी गरीब भुगतान करने में समर्थ नहीं। बकाया वसूली के लिए विभाग का अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत बकाए बिल में गरीब उपभोक्ताओं पर भी भारी जुर्माना का केस दर्ज किया जा रहा है। कई गरीबों ने अपनी आपबीती में बताया कि उन्हें कोर्ट से जमानत करने के लिए एक मुश्त बकाया बिल और जुर्माने की राशि जमा करने के लिए खेत बारी बंधक रखने या बेच देने की नौबत आ गई है। श्री यादव ने इस स्थिति को काफी दुखद और असहनीय बताया। उन्होंने सरकारों से गरीब का बकाया बिल बिजली बिल माफ करने या उसमें जोड़े गए ब्याज की राशि को माफ कर कुल बकाया को हाफ करने की मांग करते हुए लोगों से 11 अक्टूबर को बिजली विभाग के GM कार्यालय के समक्ष आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। आज की बैठक की अगुवाई माले नेता संजय चौधरी, संतोष राय, चांदोलाल हांसदा, रामेश्वर हेमब्रम आदि ने की। ये गरीबों का बकाया बिजली बिल माफी का आंदोलन में हम लोग लगे हुए हैं। भाकपा माले ने आह्वान किया है कि आगामी 11 अक्टूबर को डांडीडीह में जहां GM साहब बैठते हैं बिजली विभाग के, वहां पर हम लोग जाकर के मांग रखने वाले हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि गरीबों का बकाया बिजली बिल, जो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इतना ज्यादा बकाया हुआ है, पिछली सरकार के समय लगातार बिजली बिल बढ़ाया गया और समय पर बिजली बिल किसी भी घर में भेजा नहीं गया ग्रामीण इलाके में, और जिस कारण जानकारी नहीं होने पर लोग अपना बिल जमा नहीं कर सके और आज की तारीख में उनका बकाया बिल 10, 20, 25, 30, 40 हजार रुपया तक लोगों के घरों में जमा हो गया है। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गरीब अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, और अभी बिजली विभाग ने मुहिम शुरू किया है कि वो छापामारी अभियान को पूरा तेज करके और अलग से वो 10,000 ऐसा करके कुछ जुर्माना भी लगा रहे हैं, और जब जुर्माना लगा करके केस हो रहा है तो गरीबों को जमानत कराने के लिए बकाया बिजली का जो है सो तो है, अलग से जुर्माने की भी राशि जोड़ करके एक साथ उनको जमा करने की मुसीबत है, और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गरीबों को अपनी संपत्ति, माल मवेशी, जगह जमीन तक बंधक रखना या बेचने का मजबूरी आ गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, चुनाव में एक वादा भी किया गया था बड़े जोर शोर से कि हमारी सरकार बनी तो हम लोग बिजली बिल माफ करेंगे, हम उस बात को याद दिलाते हुए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और हम यह मांग केंद्र सरकार के साथ भी कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ भी, क्योंकि बिजली में दोनों की सहभागिता है। इसलिए ये दोनों ही सरकारों को संज्ञान में लेते हुए गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अभी कुछ माह पहले एक मौका दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ब्याज माफ करके जो बकाया बिल बचता है उसको लोगों को जमा करने से भी उनको एक मौका दिया गया, लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार ग्रामीण इलाके में बिल्कुल ही नहीं हुआ और लोग जान भी नहीं पाए, और अभी विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उसका समय खत्म हो गया। हम कहते हैं ऐसा कौन सा समय था जो ग्रामीण उपभोक्ताओं को, गरीबों को पता भी नहीं चला और आपका समय खत्म हो गया। तो हम यह भी मांग करते हैं कि अगर आप बिजली बिल माफ करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम ब्याज की राशि भी अगर आप माफ करके बकाया जो रहेगा उसको 6 महीना के दरमियान में आसान किस्तों में गरीब लोग भुगतान करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसका भी एक मौका कम से कम दिया जाए। तो ये दोनों सवाल लेकर के, और बहुत से गांव में भी ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अभी हम यहाँ पचरुखी आए हैं, पता लगा यहाँ भी 2 महीने से ट्रांसफार्मर जल गया है। इसी जगह पर आपके चपडीहा में 2 साल पहले 3 मवेशी बिजली के तार से गिर करके वो करंट लगने से मर गए थे, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। इस तरह के मुआवजा कई गांव से कि ग्रामवासी अपना जो ये बिजली का जो बिल है यह देने के लिए असमर्थ हैं। जहां तक ये लोग इतने दबाव देते हैं कि गांववासी परेशान हो जाते हैं, अपना खेत वगैरह, मवेशी वगैरह सारा कुछ बेच कर भी ये बिजली का बिल भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक पहले जैसे बात है कि बिजली का जो बिल है उसमें भी माफ करने की जो बात की गई थी, और
अभी जहां तक हो सके हम ग्रामवासी यहां तक बात मानने के लिए तैयार भी हैं कि मतलब हमारा जो ब्याज के तौर पर जो बिल जोड़ा जा रहा है उसको माफ कर दिया जाए, और अभी जो हमारा जो बिल जितना बनता है वो भी किस्ती पर धीरे धीरे करके हमसे वसूली कर लिया जाए, लेकिन